ये हम क्या बना रहे हैं मम्मी? अच्छा, ये रिक्वेस्ट के पकोड़े हैं। पकोड़े बनाऊंगी दाल चावल के ऊपर खाने के लिए। दाल चावल के साथ खाने के लिए। और इसको मैं बैटर लगा रही हूँ, जिसमें मैंने चने का दाल लिया है। ये ये बेटर है। बैटर है, जैसे 2 बड़े चम्मच से मैंने चने का दाल 2 चम्मच लिया है, उड़द का दाल 2 चम्मच लिया है। ठीक है। फिर 1 कप बड़े कप से मैंने बेसन लिया है, ओके। उसमें जीरा, लहसुन, लाल मिर्ची और धनिया, ये सब साबुत मैंने पीस दिया है मिक्सर में। ओके। पीस करके एक बैटर तैयार किया इस तरीके का, जिसमें थोड़ा सा हींग भी डाली हूँ मैं। हींग भी है इसमें। हाँ, हींग भी ओके। डाली हूँ। और इसको बैटर तैयार करने के बाद इस पर हम लगाते हैं। लगाने के बाद फिर इसको इस तरह का रोल बनाएंगे। वाह, आपने एक रोल तैयार भी कर हाँ, लिया एक है। रोल तैयार हो गया है। आपके अच्छा, पास 2-3 पत्ते हैं तो अच्छी तरह से करिए, और बैटर लगा करके उसको फोड़ इस रोल में दीजिए। कम से कम हमें 3 पत्ते चाहिए, एक हाँ, बड़ा एक छोटा। अच्छा, 3-4 जैसे मेरे पास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा कर रही ये तो हूँ। हमारे गार्डन के पत्ते हैं, तो गार्डन के कमी नहीं पत्ते है पत्तों की, हैं, बहुत पत्ते हैं। वैसे ये पत्ते इसको मार्केट में बिकते भी हैं, बिकते हैं, अरवी के पत्ते से बनता है। अरबी का पत्ता बोलते हाँ, हैं और इसको। ये है पकौड़ी का पत्ता है। अरबी बोलते हैं, रिकवच बोलते हैं। अरवी अरवी के पत्ते को ही रिकोच बोलते हैं, है ओके ना? बने हुए पकोड़े को रिकोच बोलते हैं। इस तरीके ओके। से बनाते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये डिश लग रही है, ये बहुत ही हाँ, डिलीशियस बनती है। बनाते तो सब कोई है, बेसन में सबका अपना बना अपना लेना तरीका है, होता है। लेकिन जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो आपको बहुत ही कुरकुरा और स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने उड़द के 2 चम्मच बड़े चम्मच से 2 चम्मच दाल को भिंगो करके और चने के दाल को भिंगो करके मैंने पीसा है। अच्छा, उड़द की दाल और चने की दाल। चने की दाल, फिर बेसन लिया है, तो ओके। उससे बहुत ही टेस्ट अलग ही आता है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे कि किसी को हल्दी लगाई जाती है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है। तो अब इसको मैं फोल्ड करूंगी। हो गया है। ये देखिए हाँ, इस फोल्ड तरीके कैसे किया से, जाता है बहुत इसको, बड़ा और पत्ता है तो इसलिए इसको डबल ले लेंगे। हर लेयर पे हमको एक हाँ, ये बैटर लगाना थोड़ा सा है। लगाना है तभी चिपकेगा और ओके। इसका स्वाद आएगा। ये देखिए ठीक फोल्डिंग है। शुरू हो गई है, कैसे फोल्ड किया जा रहा है देखिए अब। मैंने फर्श को पूरा साफ किया है, नीचे का स्लैब सड़क बिल्कुल से क्लीन कर पूरा दिया गया क्लीन है करके उसके फिर बाद। मैंने इस पर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए जगह इसके लिए चाहिए। जगह चाहिए, बहुत बड़ा पत्ता है इसका, हाँ, तो ये किसी प्लेट में तो करना मुश्किल है। ये हो गया। ये दूसरा पत्ता मैंने ये दूसरा तैयार कर पत्ता भी लिया। रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी रखा हुआ है, इसे पानी पे भापेंगे शायद। हाँ, पानी में इसको मैं इस तरह का फोल्ड भी करके अंदर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा है तो अंदर चला जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये वाह, जैसे इस तरह का जैसे पान लगाते हैं इसके, पान हाँ, लगाते हैं उस तरीके उस से तरीके फोल्ड से जाएगा। अंदर ठीक फोल्ड कर दिया। है। ठीक है, और ये अप्लाई देखिए, कर दिया। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा दूसरा ये रोल। दूसरा रोल तैयार हो गया। अब ऐसे हम और भी 3-4 रोल तैयार कर लेंगे। हाँ, ये देखिए दोस्तों, इसे मम्मी ने भापने के लिए रख दिया है। आप इसे कैसे करती हैं मम्मी? बस नीचे 1-2 कप पानी डाल दीजिए, और कोई भी बर्तन हो या स्टील हो, नीचे रख करके पानी के ऊपर इस तरह भापना है, तो इसे आप भाप सकते हैं, तो हाँ, ये ये भाप पक में पकता गया, है। भाप में पकता है। इसे पता कैसे इसको चलता है कि ये पक चुका है? ये स्टिक से, किसी चीज से, वो अपने आप ही ये कम हो जाता है, ये पक जाता है। ऐसे डालने पर ये चुभ जाता है, पत्ते अंदर सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ओके। पता चल जाता है। मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे फिर इस बैटर में डाल करके इसको फ्राई करना फ्राई है। भी करना है ताकि ये हाँ, कुरकुरे क्रिस्पी कुरकुरा, कर पकौड़े बन बन जाए। सकते ये हैं। पकौड़े खाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे ये हम हैं, दाल चावल पे खाएंगे। दाल चावल पे खाएंगे। तो ये तैयार हो चुका है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ, बहुत टेस्टी बनता है। और ये यस, हो चुका है। ये देखिए ये स्टीम हो चुका हाँ, है, स्टीम अब हो इसे फिर से चुका कवर कर है देंगे ऐसो। जैसे पहले कवर था। तो अभी क्या हो रहा है मम्मी, अब आप क्या करने वाली हैं? अभी इसको मैंने लिया,
इसे ले करके मैंने इसको कट कर लिया है। अच्छा, ये आपने ऑलरेडी कट कर लिया है। और जो बैटर बनाई थी उसमें से आधा बचाई थी। अच्छा, जिसको मैं पकौड़ा तलूंगी। अच्छा, अब आप इसको डिप करेंगे इसमें, इस बैटर के अंदर। ये मैंने डिप किया है। आपने हींग और अजवाइन भी मिलाया था ना? हाँ, हींग और अजवाइन डाल करके मैंने इसको डिप करना है। ठीक है, तो ये पकौड़े बन जाएंगे। ये देखिए, ऑयल प्री हीट करके रखा हुआ था मम्मी ने। हाँ, अब इसमें पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। इसे हम कहते हैं रिक्वच की पकौड़ी। इसे हम रिक्वच की पकौड़ी तलते हैं। देखिए, ये तैयार हो जाएगा थोड़े 10 मिनट में तल कर। हमें ज़्यादा ऑयल की तो ज़रूरत नहीं होती इसमें। हाँ, तलने लायक चाहिए, तलने लायक ऑयल डालना पड़ता है इसमें। बहुत से सॉटे भी कर देते हैं, अगर फ्राई पैन आपके पास है तो आप सॉटे तो कम ऑयल में उसको हल्का सा सॉटे कर रहे हैं। ऑयल उसमें लगता है, आप सॉटे भी कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। पकौड़े हल्के क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब इसको हम निकालेंगे बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े तले जा रहे हैं और ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो रहे हैं। सो यू कैन सी दैट दे आर वेरी डिलीशियस, बहुत टेस्टी है ये। मैंने खाए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज बनाए, मम्मी बना रही है इसको। बारिश में बहुत अच्छा, बारिश हो रही है यहाँ पे गोरखपुर में काफ़ी टाइम से, और ये बहुत अच्छा लगता है। सब्जी और इसके पकौड़े बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वो भी दाल चावल के साथ आप खाइए, उसका अलग ही आनंद आता है। दाल चावल चाय के साथ, चाय के साथ भी आप स्नैक्स के एज अ स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना मम्मी? ओके, अच्छा बनता है ये। तो कई बार सब्जी का भी काम कर सकता है ना, ग्रेवी बना के इस तरह तल के आप अगर आप सब्जी बना लीजिए। अच्छा, इस तरह तल के कोई सब्जी बना ले तो वो भी एक बढ़िया सब्जी बन जाएगी इसकी। अच्छा, तड़ी वाली सब्जी, जैसे बेसन की सब्जी बनाते हैं उस तरह इसकी भी तड़ी वाली सब्जी बन जाती है। तो बहुत शानदार बनाया मम्मी, मजा आ जाएगा खाने में। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये बन चुके हैं क्रिस्पी एंड टेस्टी रिक्वच के पकौड़े, और मैं इन्हें खाने जा रहा हूँ। और मम्मा वहाँ पे और पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही है सबके लिए। तो गाइस, ये पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं और मुझे मैं खा सकता हूँ, मज़ा आ गया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।